गया थोड़ा। टुडे 16 अप्रैल, तो हम आज का हिंदू पढ़ेंगे, 16 अप्रैल का हिंदू पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी देखो इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत एक रेयर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मेडिकल जो इमरजेंसी, एक तरह से आप बोल सकते हो मेडिकल इमरजेंसी, वैक्सीन्स नहीं है, ऑक्सीजन्स नहीं है, तो मोस्टली आज जो न्यूज़ आई है इसी चीज़ से रिलेटेड। हाईएस्ट केसेस जो आए 2.16 लाख, जो डेथ के नंबर है बहुत कम नंबर शो कर रहा है, पर रियल में जो डेथ हो रही है अगर आप रियल परसेंटेज देखोगे तो बहुत हाई है। तो प्लीज़ आप अपने घरों में रहो, ऐसी चीज़ नहीं है। जो चीज़ है उसके लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट करोगे, मास्क लगाओ लगाओगे, और ये नहीं मास्क को आप कहीं भी रख दोगे, जब मास्क लग रहा है मुंह पे वहाँ पे मास्क लगाया हुआ है, फिर आप उसे कहीं भी मत रखना, कहीं से ऐसी जगह रखना कि सेफ रहे। हैंड सैनिटाइज करो, सैनिटाइज नहीं है तो आप अपनी जेब में कैरी कर सकते हो, एक पेपर सोप कैरी कर सकते हो या कोई भी सोप कैरी कर सकते हो जेब में। प्लीज़ उस चीज़ का यूज़ करो, एक छोटी सी आपकी सावधानी आपको इस चीज़ से बचा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कोरोना होगा या नहीं होगा, आपको पता भी तो नहीं आप कोरोना है या नहीं है, तो उसके लिए वैक्सीन जब आपको हो जाएगा, आपकी फैमिली में किसी को हो जाएगा, उससे कंडीशन पूछना। कंडीशन क्या है हमारे मेडिकल चीज़ों की? हमने अब तक ये चंदा इकट्ठा किया, मंदिर मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा किया है, काश हम अपने जो आपकी सिटी का हॉस्पिटल है उसके लिए चंदा इकट्ठा करते तो ये दिन हमें आज देखने ना पड़ते। हमारा मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग होता, हमें कहीं ना कहीं भटकना ना पड़ता। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, अभी की सुबह मैं आ रहा था, मतलब थोड़ा लाइब्रेरी से मतलब रूम तक आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक हॉस्पिटल के बाद बहुत लंबी लाइन है, मतलब एम्बुलेंस खड़ी हुई है। तो मैंने पूछा क्यों खड़े हो यहाँ पर, अंदर जाओ हॉस्पिटल के, तो कह रहे अलाउड नहीं कर रहे अंदर ले जाना, बेड नहीं है उनके पास, तो कहाँ पे लेके जाए। वो एम्बुलेंस के ही उनके वेंटिलेटर काम कर रही है, एम्बुलेंस ही एक तरह से वेंटिलेटर काम कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, ये सब कुछ वही एम्बुलेंस कर रही है। तो बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है, प्लीज़ उस चीज़ से सेफ रहो। तो हम हिंदू स्टार्ट करते हैं। जो पहली जो स्कीम आ, मतलब जो आती है न्यूज़ आती है, वो आती है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है अभी करने की बात के लिए, जिसकी एज है 65 साल, उसे बढ़ा के 70 साल करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ इसमें क्या किया जा रहा है, जो इसमें से हम जैसे तक कोई आपदा आ गई उसमें पैसे निकाल सकते थे, कॉर्पस जो फंड था उससे हम पैसे निकाल सकते थे, पर वो उसकी लिमिट 2 लाख तक की, उसे बढ़ा के 5 लाख की बात करिए, इवन जितना आपका पैसा जमा है उसे पूरा निकाल सकते हो आप। तो वो दोनों चीज़ की इसमें बात की जा रही है। तो हम इससे क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे नेशनल पेंशन स्कीम। तो हम आते हैं अपने नोट्स पे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप, मतलब ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदू की पीडीएफ, हिंदू की हाईलाइट आर्टिकल पीडीएफ और ये नोट्स आप वहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। बस आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, और भी चीज़ें रिलेटेड टू यूपीएससी वहाँ पे फैक्टली चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ साथ साथ में अपलोड भी कर देता हूँ, तो वो वहाँ पे आप देख लेना। तो हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है इंडिया में। अभी जो है नेशनल पेंशन सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, यानी कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था किसके टाइम पे, ये आपका टाइम होगा 2008 से 12-13 का टाइम होगा, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होगी कहीं ना कहीं कांग्रेस की, जब ये स्टार्ट हुआ था। और पेंशन फंड, मतलब कि फंड रेगुलेटरी जो है आपकी PFRDA जो है आपकी, वो इसे मतलब रेगुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है। बट इसे सेबी होती है, सेबी आपको देखती है, फाइनेंशियल मार्केट को देख, सॉरी फाइनेंशियल नहीं, आपका स्टॉक मार्केट को देखती है, तो सेबी देखती है, पेंशन वाले को ये देखते हैं, इंश्योरेंस वाले को दूसरी देखती है। तो सारी सारी बॉडी, रेगुलेटिंग बॉडी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है। अब नेशनल पेमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश बाय किसकी, जो मैंने आपको बता दिया PFRDA ने, रजिस्ट्रेशन ऑन एसेट अंडर NPA, मतलब इसका ही रजिस्ट्रेशन पीरियड PFRDA का ही एक्ट में ला के ये सिस्टम लेके आए थे। अब टू टायर सिस्टम है, स्ट्रक्चर कैसा है NPS का, टू टायर है। टायर वन में क्या है, देयर इज नॉन विड्रॉल, मतलब कि परमानेंट रिटायर अकाउंट, ये आप विड्रॉल नहीं कर सकते इसमें एक टायर में, मतलब जैसे आपने पैसा आपका हर महीने कटेगा आपका पैसा, कुछ ना कुछ रुपये उतना ही सरकार देगी, फिर आपको पेंशन जब आप रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपको पेंशन के रूप में वो पैसा दिया जाएगा। तो क्या होता था, एक नॉन विड्रॉल होता था, मतलब आपने पैसा इकट्ठा किया फिर आपको रिटायर एज में पैसा दिया जा रहा है, पर उसमें विड्रॉल नहीं कर सकते। एक अकाउंट होता है वॉलंटरी विड्रॉल, कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ओनली वैन देर इज एन एक्टिव टायर वन अकाउंट एंड नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, द विड्रॉल आर परमिट फ्रॉम द अकाउंट एज पर द नीड ऑफ सब्सक्राइबर वैन इट क्लेम। कोई भी नीड है, अभी कोविड पेंडेमिक चल रहा है, लोगों को पैसा चाहिए, तो सरकार क्या बोल रही है, जो उनके पेंशन फंड के पैसे चल रहे हैं वो विड्रॉल करने की उनकी लिमिट दे देनी चाहिए, ऐसा है गवर्नमेंट बोल रही है। फिर NPS वॉज एलिबल टू ऑल द सिटीजन, ये प्री का पॉइंट होता है कि सब सिटीजन जो इंडिया के हैं, ठीक है ना, फ्रॉम May 1, 2009 से सबके लिए अलाउड हो जाएगा, सब इसमें सिटीजन पार्ट कर सकते हैं। एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, बोथ जो रेसिडेंट जिसका घर यहाँ भी है और जिनका यहाँ पे घर भी, NRI जिसे बोलते हैं, NRI नॉन रेसिडेंट जो होते हैं, पर वो है तो इंडियन, पर कोई फॉरेन नहीं आ सकता इसमें, जैसे आपके OCI होल्डर्स हैं या PIO होल्डर्स हैं, ये इसमें पार्ट नहीं कर सकते, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं।
ऑल सिटीजन्स, ये नहीं है कि सिटीजन्स जो हैं, कुछ सिटीजन इनके घर हैं यहाँ पे, कोई सिटीजन ऐसे हैं ना जिनके यहाँ पे घर नहीं है पर हैं वो इंडिया के ही सिटीजन, तो उन्हें NRI बोलते हैं। फिर आपका PFRDA क्या होता है, PFRDA मतलब कि एक रेगुलेटिंग बॉडी है, एक एक्ट लेके आए थे पर्टिकुलर इसके लिए, एक्ट लेके आए थे यानी कि सेक्रेटरी बॉडी है और 2013 में इसे क्रिएट किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अलॉन्ग विद द NPS इट ऑल्सो रेगुलेट अदर पेंशन जो स्कीम्स होती है ना, आपकी पेंशन स्कीम होती है PM, आपकी मानधन हो गई, और भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, आपकी स्कीम चलती हैं ओल्ड पेंशन स्कीम चलती हैं, फिर विडो पेंशन स्कीम चलती है, तो सारी तरह से एक तरह से यही रेगुलेट करती है। तो पेंशंस की सारी चीज़ आपको PFRDA रेगुलेट करती है। तो मैंने NPA की बता दिया, NPS है क्या, दो टायर होते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, सारे सिटीजन्स हो सकते हैं इंडिया के और इसमें कोई नहीं हो सकता, तो आपको इतना ही जानना है इस चीज़ के लिए। हम आते हैं अपने हिंदू पर, जो न्यूज़ आती है दूसरी रिलेटेड टू आती है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। फिर क्या, सेंटर टू पुश द जज अपॉइंटमेंट, मैं 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, अभी थर्ड जज केस के अकॉर्डिंग आपका कोलिजियम बैठता है, यानी 4+1, 4+1 का मतलब क्या होता है, देखो एक जज को अपॉइंटमेंट 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ तो आज रिपीट नहीं करेंगे, इन फर्दर ऑफ द क्लास में रिपीट करेंगे, ये तो कंटिन्यूस टॉपिक है जो आते ही रहते हैं। आपको कोलिजियम क्या होता है, देखो 4+ जो भी चल रहा है थर्ड जज केस के हिसाब से, हम 4 जज सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए, 4+ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करते हैं किसी को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ये मतलब रखना है इन्हें, मतलब जज को लेके आना, ये अपॉइंट करते हैं। वो अपॉइंट की रिकमेंडेशन किसे भेजते हैं, वो सेंड करते हैं वो प्रेसिडेंट को या फिर मिनिस्ट्री को, इनको अपॉइंट करते हैं, फिर वो मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को करती है, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट कर देता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने रिकमेंडेशन भेजी हुई है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने वो आगे प्रेसिडेंट के पास ही फॉरवर्ड नहीं की कि इन्हें जज की अपॉइंटमेंट करनी है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सेंटर टू पुश जज अपॉइंटमेंट, जो आपने रोकी हुई है, इतने केस पेंडिंग है ऑलरेडी और आप 55 जो रिकमेंडेशन भेजी हुई है मतलब कोलिजियम ने, तो वो भी आप ढंग से नहीं कर रहे, तो वही है थर्ड जज केस के अकॉर्डिंग 4+1 जो जज देखते हैं, ठीक है ना, तो वो देखेंगे। तो रिकमेंडेशन नेम जो सेंड किए हैं कोलिजियम ने, दिल्ली हाई कोर्ट पे अपॉइंटमेंट होनी है, तो गवर्नमेंट आगे नहीं कर रही। तो इससे क्या चीज़ दिखता है, अब जज नहीं होंगे तो पेंडेंसी बढ़ेगी, डिलेनेस बढ़ेगी जज में, मतलब डिले केसेस डिले होते जाएंगे, डिले होगी तो वही होगा जस्टिस डिले का मतलब है जस्टिस इतना है, अगर केसेस डिले हो रहे हैं तो आपको मतलब सरकार क्या चाहती है या फिर संविधान क्या चाहता है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर देरी है जस्टिस सिस्टम में, तो एक लूप होल है। एक हॉस्पिटल में भी आपका अगर जाते हैं मरीज के साथ, तो ऐसे भीड़ भाड़ ना लगा के देखिए, तो हॉस्पिटल खुद अपने आप में सुपर स्प्रेडर बन चुके हैं वायरस के, मतलब सुपर स्प्रेडर कौन होता है, जहाँ पे बहुत तेज़ी से वायरस फैलाने का काम करते हैं, तो एक तरह से हॉस्पिटल भी सुपर वायरस है, अगर आपका कोई घर वाला भर्ती है तो उसके ही जाने दें, आप वहाँ पे ना जाएं। दूसरी आती है NGT से रिलेटेड, अब हम ये नहीं पढ़ेंगे क्या इसने डिसीजन दिया, हम पढ़ेंगे NGT है क्या, ये हमने 5-6 दिन पहले पढ़ा था, फिर इसे रिपीट करेंगे, ऐसे ही रिपीट हम करेंगे चीज़ों को। तो हमें क्या करना है, वो बाय अंदर तक कहते हैं ना, बस उसके अंदर उतर जाओ उस चीज़ के, तो हम NGT पढ़ने वाले हैं, NGT का सारी रूल्स एंड रेगुलेशन, सॉरी। इसके बाद NGT से पढ़ने के लिए आपका कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, जितना हम आज कवर कर लेंगे, हमारा मकसद है जो भी पॉइंट उठाओ उसे शुरू से लेके आखिरी तक उसकी सारी कहानी जान लो, कि ज़िंदगी में कभी से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े दोबारा। फिर क्या आता है, GS पेपर सेकेंड में पूछ सकता है, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल जो आपकी ट्रिब्यूनल्स आती हैं, जजमेंट आते हैं, केस सेक्रेटरी बॉडीज़ आती हैं, तो वही NGT एक तरह से सेक्रेटरी बॉडी है, स्पेशलाइज बॉडी है, ठीक है ना, 2010 में इसका एक्ट आया था, और इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके पास NGT है, इंडिया तीसरी कंट्री है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास भी ऐसी ट्रिब्यूनल्स है। ये क्या करती हैं, इनके पास कोई एप्लीकेशन आई, ये सुई मोटो भी स्टेप लेती है, अपने आप भी ले सकती है, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कोई वाटर से रिलेटेड, कोई एयर से रिलेटेड, कोई भी इनके पास एप्लीकेशन आई, इनको जो सॉल्व करना होता है 6 मंथ में उसे केस को ख़त्म करना होता है। और NGT ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर बैठती है, हाँ दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल बैठती है, और भी 4 जगह इंडिया में इसकी सिटिंग्स है, भोपाल, पुणे, कोलकाता। स्ट्रक्चर क्या है NGT का, थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में, एक चेयर पर्सन होता है, वो हमेशा कौन होगा, वो जुडिशियल मेंबर होगा जो इसका चेयरमैन होगा, और इसमें कुछ एक्सपर्ट मेंबर भी रहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट चाहिए, एयर क्वालिटी की एक्सपर्टनेस चाहिए, अब जो ट्रिब्यूनल सजा भी दे रही है, फाइन भी लगा रही है, तो जज चाहिए, तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और इसमें कुछ एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन होंगे वो अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि जज अपॉइंट करने हैं इसमें, मतलब जज जुडिशियल मेंबर अपॉइंट को करना है, तो कंसल्टेशन जो चेयरमैन की लगेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पर इन द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर एक सेलेक्टिंग कमेटी शैल बी फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेलेक्टिंग कमेटी को फॉर्म करती है, अपॉइंट करती है जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर उसमें अपॉइंट करने के लिए।
अब इसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि इसमें एटलीस्ट 10 तो मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम मैक्सिमम 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसके अंदर। अब पावर ऑफ ज्यूरिडिक्शन क्या है, इसके पास सारे सिविल केसेस की तरह से पावर है, जैसे सिविल केसेस जाते हैं ना रिलेटेड टू किसी चीज़ से रिलेटेड, तो सिविल केस जैसे इसके पास पावर है, पर सिविल केसेस के लिए हमें सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, पर ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है, ये देती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है, तो ये भी आपको याद रखना है ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है ना। फिर जो उसकी डिसीजन देगी, मतलब कि ये मतलब कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल टू द पॉलिटेड आपका पे प्रिंसिपल, मतलब एक तरह से ये अपना डिसीजन और अपने ही चीज़ों को मतलब चेंज भी थोड़ा कर सकती है। एनजीटी बाय ऑर्डर कैन प्रोवाइड ए रिलीफ टू द कंपेंसेशन, जैसे आपके इन्वायरमेंट की वजह से आपकी कोई पास फैक्ट्री है, आपके घर को नुकसान कर दिया उस फैक्ट्री ने, कैसे भी नुकसान कर दिया हो, आप एनजीटी में गए तो आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि जो आपकी पॉल्यूशन आपके घर में हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है ड्यू टू द एनवायरमेंट डैमेज और ड्यू टू द मतलब पॉल्यूशन की वजह से, वो आपको कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गया वो भी आपको, रिस्ट्रिक्ट द एनवायरमेंट इन सच ए केस इन एरिया और ट्रिब्यूनल में थिंक फिट, मतलब आपका रिस्टिट्यूशन कर सकते हैं एनवायरमेंट का, जहाँ भी से ठीक लगे कि गड़बड़ हो रही है वो कुछ भी एनवायरमेंट है रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है, पेनल्टी भी लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है, इम्प्रिजमेंट मतलब कर सकती है, 3 साल तक की सजा दे सकती है, देखो फाइन भी लगा सकती है, दोनों एक साथ भी लगा सकती हैं। इसकी जो अपील होगी, जैसे आपने इसने आपको 3 साल की सजा दे दी, 5 लाख रुपये फाइन लगा दिया, 10 करोड़ तक का फाइन लगा सकती है, ये भी आप याद रख लेना, जैसे इसने आपके फाइन लगा दिया तो उसकी अपील कहाँ करोगे, इसके अगेंस्ट आपके साथ गलत हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकते हो, ना कि हाई कोर्ट में, ना कोई स्टेट कोर्ट में, विद इन 90 डेज, जो 90 दिन के अंदर आपको अपील करनी होगी इसकी। अब इसके अंदर कुछ पावर्स हैं, इसके मतलब लॉ है जिससे इसे मतलब मिलेगी, पानी वाटर एक्ट है जैसे, तो पानी प्रदूषण कर रहा है तो वाटर एक्ट के इसके अंदर रखा गया है, फिर वाटर एक्ट का एक सेस भी होता है, सेस लगता है वाटर एक्ट पे, वो भी इसके अंदर आता है, फॉरेस्ट एक्ट पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो भी आएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये भी आप याद रखना, फिर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है 1981 ये भी याद रखना, फिर इन्वायरमेंट एक्ट से इसे पावर मिलती है 1986 ये भी याद रखना, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, कोई पब्लिक लाइबिलिटी जा रही है ना उसमें तो उसमें भी इसके अंदर आता है, फिर लास्ट में आता है बायोलॉजिकल आपका डाइवर्सिटी एक्ट, ये आपको चीज़ें याद रखना है, कभी कभी ये चीज़ें ना क्रोनोज आपको डेट फॉर्म में पूछ लिया, क्रोनोजिकल मतलब फॉर्म में पूछ लिया जाता है, यूपीएससी कभी पूछ लेता है कौन सा एक्ट किसके बाद आया, तो ये भी आप याद रखना कि कौन से बाद किसका एक्ट आया, सबसे पहले इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये याद रखना। ये क्या था कि हम जाने वाले थे सबमिट के लिए जाने वाले थे, अर्थ सबमिट होने वाली थी, एनवायरमेंट सबमिट, तो हमारी इंदिरा गांधी जी बोलती हैं कोई ऐसा काम करके जाए वहाँ जाके मुँह दिखाने लायक रहे, तो 1972 में जाने से पहले वो क्या लेती हैं, एक एक्ट लेके आ जाती हैं कि हम ये एक्ट ला रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो सबसे पुराना एक्ट है रिलेटेड टू एनवायरमेंट रिलेटेड टू एनिमल, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद वाटर एक्ट आता है सबसे पहले। आगे चलते हैं, अब स्ट्रेंथ क्या है कि मतलब कि कुछ चीज़ें हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एनजीटी, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि कैसे लगा सकते हैं, ये फॉर्मल चीज़ें हैं ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगा, बस यही तरह जो चेयरमैन होता है वो कभी एक बार बनने के बाद रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये भी आप याद रखना है। एनजीटी मत भी आपका इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंश्योर देता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, वो क्या होता है जैसे आपके घर के आसपास सड़क या आपकी सिटी से कोई हाईवे या कुछ डेवलप किया जा रहा है तो पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा कि चेक किया जाएगा डैमेज तो नहीं करेगा इन्वायरमेंट को, ये सब चीज़ चेक की जाएंगी, पब्लिक से पूछा जाएगा हम ठीक है कर लें आपके एरिया में, तो उसे बोलते हैं आपका EIA बोलते हैं आप, इन्वायरमेंट की शंकर आई इसकी बुक है, सीधा खोल के इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, आपको सीधा ये चीज़ मिलेगा उसके अंदर। फिर चैलेंजेस क्या हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखो मैंने सारे एक्ट तो बता दिए, इतने सारे बताए थे आपको, इतने सारे एक्ट आते हैं, 2 एक्ट याद रखना जो इसके अंदर नहीं आते, एक नहीं आता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो प्रॉब्लम है ये इसके अंदर नहीं आता तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एंड शेड्यूल एंड ट्राइब्स एंड अदर, जो फॉरेस्ट आपका ड्रिलर, एक तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो आता है पर जो फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट राइट होते हैं जो आपके वहाँ के राइट्स होते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, ये नहीं आता एनजीटी के ज्यूरिडिक्शन में, इन सारे ये दोनों एक्ट नहीं आते, तो आप ये भी याद रखना, ये कुछ पावर उसकी कम कर देता है। फिर उसके बाद एनजीटी डिसीजन आर चैलेंज इन वेरियस कोर्ट, हाई कोर्ट में भी चैलेंज है, उसमें मैंने कहा हाई कोर्ट में नहीं होंगे पर कुछ कुछ डिसीजन आर्टिकल 226 से कि वायलेशन हो रहा है कोई आपके चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है ना, रीगल राइट का वॉयलेशन हो रहा है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226 से, रिट्स आ जाएंगी, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये आपने पढ़ी होंगी, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। एनजीटी सेक्रेटरी बॉडी मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बताया कि एक्ट से बनी हुई सेक्रेटरी बॉडी होगी, तो यही सारी इसकी चीज़ें हैं।
अभी कुछ लैंडमार्क डिसीजन इस एंटिटी ने लिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पॉस्को, मतलब पॉस्को ये वाला पॉस्को नहीं है, ये स्टील का है, स्टील का प्लांट है, उसको मतलब स्टील मेकर को मतलब साइन किया था उड़ीसा गवर्नमेंट टू सेटअप द स्टील प्रोजेक्ट। एनजीटी सस्पेंड द ऑर्डर एंड कंसिडर रेडिकल स्टेप फेवर में लोकल कम्युनिटी, जो वहाँ की फॉरेस्ट की कम्युनिटी, उनके फेवर में डिसीजन लिया। लेटेस्ट आपको दो तीन बता देता हूँ जो लेटेस्ट है। सबसे पुराना है एनजीटी ने, मतलब दिल्ली एनसीआर में जो 10 साल पुराने व्हीकल हैं डीजल पर, उनको परमिट उनके कैंसिल कर दिए। 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग हुआ था श्री श्री रविशंकर का यमुना बैंक पे, तो बहुत गंदगी मचा के गए थे, उनके फाइन लगाया 5 करोड़ रुपये का कि आप यहाँ गंदगी करके गए हो। उसके बाद एनजीटी ने 2017 में दिल्ली में से जो 50 माइक्रोन जो थिकनेस वाली पन्नी थी, मतलब कि उससे कम थिकनेस वाली पन्नी थी, उनको बैन कर दिया। ये भी एनजीटी का डिसीजन था। ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है चीज़ें। फिर मैं आपको लगे हाथ एक चीज़ बता दूँ, कोविन, कोविन एक ऐप है, अगर आपको वैक्सीन लेनी है, आपको पता लगना है कहाँ पे वैक्सीन लग रही है। वैसे तो गांव में भी वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, आधार कार्ड लेके जाना है। अगर आपको एक फॉर्मल चैनल जैसे अपनाना है क्या, वो भी रजिस्टर्ड किया जाएगा फॉर्मल चैनल, क्योंकि उसमें आपका टाइम सेविंग है। आप कोविन ऐप डाउनलोड कर लो या कोविन पोर्टल डाउनलोड करो, उसके बाद आप वैक्सीन लगवाने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करो। फिर वो आपकी एज पूछेगा, नाम पूछेगा, आधार कार्ड नंबर पूछेगा, तो मैंडेटरी आधार कार्ड नंबर। उसके बाद क्या होगा, आधार कार्ड नंबर के बाद फिर आपको वैक्सीन की प्लेसेस चुनने होंगे, टाइम चुनना होगा, कितने बजे आपको वैक्सीन लगवानी है, आपकी सिटी में यहाँ यहाँ वैक्सीन लग रही है आपकी सिटी में, क्योंकि वो पूछता है आपका पिन नंबर पूछ लेगा ना, यहाँ यहाँ वो 10-12 जगह बता देगा यहाँ कहाँ लगवाना चाहते हैं, जहाँ आपका मन है वहाँ लगवा सकते हैं, वो टाइम स्लॉट आपको दिखा देगा, ये वाला खाली है इस बीच में लगवा लो, तो ये आप सुबह जाके लाइन में खड़े नहीं होना, ये सारी चीज़ आप सेव कर सकते हो ना। कोविन ऐप है, ये आपका कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप किया गया, अपग्रेड द इम्प्रूव द मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग आउटगोइंग। इससे यही नहीं कि वैक्सीन लगाई जाती है, इससे और भी काम होता है कि हॉस्पिटल इसी ऐप से रजिस्टर्ड करता है कि कितनी उसके पास वैक्सीन बची है, कितनी लग चुकी है। जैसा उसे पता लगा इस हॉस्पिटल में इतनी वैक्सीन आई, 1000 वैक्सीन ऊपर से आई, ठीक है ना। अब उसी हॉस्पिटल में जब मैं रजिस्टर्ड करूँगा, मैं उसी हॉस्पिटल को चूज़ करूँगा, तो गवर्नमेंट को पता लगता रहेगा ना कितनी उसमें से कम होगी, तो ऑटोमेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट को पता लगता रहेगा कि कहाँ पे कितनी कम हुई है, कहाँ पे नहीं है। यही सारी चीज़ें कोविन ऐप इसीलिए डेवलप किया गया था। और ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि एक कोविन जो ऐप है क्लाउड बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म थे, क्लाउड बेस्ड है आपका, एंड इट्स सपोज टू हैंडल द मतलब कि मिनट डिटेल ऑफ द कोविड 19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, उसकी पूरी डिटेल लगता है, एलोकेशन ऑफ वैक्सीन सेंटर, सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज विद ए नेम टू देयर वैक्सीनेटर टू द बेनिफिशियरी, पास नाम चला जाता है, लाइव मॉनिटरिंग सब कुछ, कोल्ड स्टोरेज ठीक से हो रहा है, सबको मॉनिटर यही ऐप करता है। अब इसमें एजेंसी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगी आपकी, ऑब्वियसली बात है। फॉर द अर्लियर प्लेटफॉर्म यूज फॉर द कंडक्ट, ये बात नहीं कोविड के लिए पहली बार यूज़ किया जा रहा है, उससे पहले भी पोलियो अभियान के लिए और क्रूशियल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट यूज़ कर चुकी है ऐसे ऐसे ऐप बना के, ठीक है ना। इसे हेल्थ मिनिस्ट्री तो संभालेगी नहीं, क्योंकि ये तो आईटी बेस है, इसमें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, तो इसके देख रहा कौन है, NIC, ये सब को यही देखता है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का है, वो इसको एक तरह से बैक दे रहा है पीछे से देखने के लिए। इस फायदा क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग ट्रैकिंग हो रही है, इससे रियल टाइम बेस हो रही है, क्योंकि एकदम डाटा चेंज होता रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। कहीं पे काउंटर कर रहा है, कहीं प्रॉक्सी मतलब वैक्सीनेशन तो गलत तरीके से नहीं किया जा रहा। आधार इनेबल्ड है, वो मैंडेटरी है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। आधार मैंडेटरी तो नहीं है, पर आधार इनेबल है, मतलब आधार इस कोई बीच में मांगता है। आप कुछ और भी चीज़ डाल सकते हैं, पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, उसे मैंने किया था, पैन कार्ड का भी है, और बहुत सारी चीज़ों के इसके ऑप्शन है। तो कोविन आपको याद रखना है कौन कौन चला रहा है, वैसे दिखा देगा कि ये मिनिस्ट्री ये रन कर रही है, मिनिस्ट्री चेंज कर देगा, ये आपको बता सकता है। तो हमने NGT पढ़ लिया, हमने कोविन पढ़ लिया, नेशनल पेंशन पढ़ लिया, आज जो हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। आज इन्फ्लेशन का कुछ भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, इसके बाद हमें इन्फ्लेशन के बारे में कोई जानकारी कहीं से नहीं पढ़नी जितनी आज हम एक्वायर कर लेंगे। हम आते हैं पहले हिंदू पे, हमने NGT कवर कर लिया, फिर ये वैक्सीन के बारे में, आज पूरा न्यूज़पेपर वैक्सीन के ही बारे में। देखो कैसी कैसी आप पिक्चर देख रहे हो, ये देखो आज पूरा पेपर वैक्सीन के बारे में। इधर इनके इलेक्शन ख़त्म नहीं हो रहे गवर्नमेंट के, इधर बच्चों के साथ जिंदगी मतलब जो छुट्टी मिल गई, पर गवर्नमेंट के ये हो गया शॉर्टेज, जहाँ पे देखो वैक्सीन शॉर्टेज, कहीं पे आप पढ़ोगे ऑक्सीजन शॉर्टेज, कहीं पे वो रेमडेसिविर वैक्सीन शॉर्टेज, दुनिया भर की शॉर्टेज चल रही है। प्रोबिंग क्या है, मतलब कि CBI प्रोब, अभी क्या है केस मैं आपको बताता हूँ। एक आपके ठीक है, एक आपके साइंटिस्ट थे, वो मैंने फ्रंट पेपर पर आपको नारायणा करके नाम था इनका, ठीक है ना, नारायणी साइंटिस्ट थे। 994-995 पे इन पे केस एक हुआ था आपका, स्पिरेनोज केस के नाम से आया था 994 में, केस स्टडी में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके लिए आंसर तैयार रख लेना। तो इन पे एक
केस होता है कि इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट जो है मिसाइल सिस्टम के पाकिस्तान को किसी दूसरी कंट्री को लीक किए, और इस वजह से कम से कम 2018-19 में बेल मिली है, कम से कम 20-25 साल जेल में गुजारते हैं, और इनके पूरा मतलब डैमेज हो जाता है, इमेज भी डैमेज हो जाती है कि देश के साथ धोखाधड़ी की है। फिर बाद में पता लगता है वो सारी जो थी वो मतलब कि रॉन्ग इनके एलिगेशन चार्जेस लगाए गए थे, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और रिपोर्ट बाद में निकल के आती है, इनकी तो पूरी ज़िंदगी जेल में निकल गई। एक जो टर्म था, एक मतलब साइंटिस्ट होते हैं उनका मतलब हर एक पल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देश के लिए भी और उनके लिए भी, सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक डेवलपिंग मतलब रेपुटेटेड साइंटिस्ट होता है, आप जेल में रख देते हो तो उसकी इमेज तो ख़राब होगी, उसकी रेपुटेशन सोसाइटी में ख़राब होगी। उस टंकर जो उसने मतलब प्रॉब्लम झेली है वो उसे पता है प्रॉब्लम को। अब CBI प्रूफ की जा रही है ऐसा क्यों किया, किस कौन कौन उसमें अधिकारी मिली हुए थे इनको अंदर डालने में, तो CBI प्रूफ की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट आज टू द पैनल रिपोर्ट, मतलब इस लोग का केस जो था, तो आपको केस स्टडी चेक करनी है कि इतने दिन आपको जेल में रखा, एक तिवारी करके UP में उसे भी मतलब 25-26 साल के बाद जेल से छोड़ा गया है, उस पर भी रॉन्ग एलिगेशन लगा के उसने भी 25-26 साल जेल में बिताया, तो अब उनको पैसे भी दे दो, वो टाइम तो नहीं ला के दे सकते ना तुम वापस उन्हें, तो वही सारी चीज़ें हैं ऊपर आपको इस पर आप केस स्टडी आ सकती है, पेपर नंबर 4 में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये सोच के रखना है अगर ऐसे किसी के साथ किया जाए और इतने साल बाद छोड़ा जाए, उस पर उसकी फैमिली को प्रॉब्लम आती है ना, सब देशद्रोही बोल गलत निगाह से देखते हैं, इतने पल तो देखा होगा, अब तो समय निकल गया। तो ये सारी चीज़ें पहली जो आती है वही पेंडेमिक से क्यों सेकेंड वेव डायनेमिक है, फिर ये इसरो का सारा यही केस आया, कोर्ट ने क्या क्या बोला है, उसके बाद जो क्रिकेट से है, क्रिकेट में जो तुम्हारी फिक्सिंग होती है, देखो IPL है, कॉमर्शियल है, याद रखना कॉमर्शियल चीज़ें जहाँ प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होता है, ये लिख के ले लो, जहाँ भी प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होता है वो कभी भी आपका प्रॉफिट बेस होगा। अगर हम किसी भी को पर्टिकुलर नाम नहीं लेता, जो भी टीम खरीदने वाला है किसी को भी मतलब सब ये इंडस्ट्रियस है, एक बात याद रखना है, इंडस्ट्रियस गलत जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट होता है चीज़ों में वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच होती है बिजनेसमैन मॉडल की। फ्री में चंदा नहीं बांटा जाता, उसके लिए वो अलग स्कीम चलाते हैं, जहाँ चंदा फ्री में बांटना होता है ना उसके लिए वो अलग सोशल वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, उन्हें गा गा के बताते हैं कि इतने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, इतनी उनके ऐड दे दे के बताते हैं, आपने ऐड भी देखे होंगे। और ये IPL क्या है, मतलब IPL चल रहा है तो क्या वो खरीदने प्रॉफिट, उनके दिमाग में प्रॉफिट है कहीं ना कहीं, तो वही सारी चीज़ें फिक्सिंग कैसे चलती है चीज़ों की, ये सब चीज़ फिक्स रहती है, पहले दिखेगा ये हार रही है मैच, फिर एंड में पता लगेगा यही जीत गई मैच, तो ये सारी फिक्सिंग है, सब चीज़ उसी में चलता है। मल्टीपोलरिटी मतलब कि क्या है, कि मिडिल पावर, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको पूरा बता दूँ, पहली बात तो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये US से रिलेटेड है। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको पावर लेनी है ना तो इन चार देशों का ध्यान में रखना होगा, ये चार देश जिसके साथ खड़े होंगे वो वही पावर में रहेगा वर्ल्ड में, इमर्जिंग वर्ल्ड पावर जो भी लेना चाहता है इन चारों, जापान का, ईरान का, टर्की का और इंडिया का, इन चारों देशों का मिडिल जो एशिया आपको इनको ध्यान रखना होगा अगर आपको पावर लेनी, सब देशों का इन पर ध्यान है। तो यही बोल रहे हैं कि जो बाइडेन आया है उन्होंने बात करना स्टार्ट शुरू कर दिया है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में आए थे किलर कर रहे थे किसको, पुतिन को बोल रहे थे, और रिसेंटली इन्होंने क्या किया, पुतिन से बात करने के लिए उन्होंने बोला है, फिर ये क्या कर रहे हैं कि चाइना के साथ भी इनके, आज क्या मैं बताऊंगा अभी न्यूज़ में, आज उनके मतलब उन्होंने कोई अपने इन्वॉय भेजा है, मतलब कि एक मैसेंजर भेजा है किसमें, चाइना के अंदर रशिया के साथ बात करने की बात करते, ईरान को थोड़ा बोल रहे हैं कि FAPO डील हम ठीक करेंगे, फिर क्वाड नेशन में दो देश तो आती हैं जापान और इंडिया, यहाँ तो आते ही हैं, ठीक है ना, जो इंडियन पैसिफिक रीजन के लिए डेवलप किया गया है, तो यही सारी चीज़ देखते हैं, जिसको ये क्या बोल रहे हैं कि सबको एक साथ लेके चलने के लिए US क्या कर रहा है, इन चारों देशों पर फोकस कर रहा है, तो वही सारी इस पर बात की गई है, मतलब कि आपको जापान को कैसे टैकल करना है, अभी टाइम है कि जापान चाइना से भी ट्रेड करता है वो भी आपको देखना होगा, इतना ट्रेड करता है, ठीक है ना, शिंजो आबे है मतलब जापान के, मतलब जापान ग्रिड सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अब जापान मजबूत भी हो गया है, जब आपने एक ट्रीटी साइन की थी, जापान ने किसके साथ साइन की थी, US के साथ, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रीटी, उसे 1951 में साइन की थी, अगर जापान पे कोई हमला करता है तो US जापान की सपोर्ट करेगा, पर वो 1951 की बात थी, अब तो जापान सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, जापान में मजबूत हो गया है, फिर जापान चाइना से भी व्यापार करता है, सीनो जापानीज रिलेशनशिप इन 2019 24% जापानी इम्पोर्ट केम फ्रॉम चाइना, 90% इनका एक्सपोर्ट है वो चाइना में जाता है, तो ऐसे तो नहीं पर्टिकुलर वो US के पास ही चले जाएंगे, फिर मतलब कि इंडिपेंडेंट रोल इन द इंडो पैसिफिक इतने बिलियंस का है उनका एक तरीके से, फिर एशिया अफ्रीका में मतलब जापान की बहुत पावर है, मतलब इतना इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें 200 बिलियन के आसपास, ठीक है ना, अब तो जापान बहुत ऊपर पहुंच गया है,
ये भी चीज़ें। फिर इंडिया, इंडिया के बारे वेरियस सर्किल है बॉर्डर, मतलब कि साउथ एशिया में नेबरिंग, ठीक है ना, ओशियन में भी इंडिया शार्पली डेवलप कर रहा है अपने आप को, एक्सपेंडिंग द डिफेंस टाई विद द यूएस। तो इसमें रिलेशनशिप दिखाई है, इसमें क्या बताया है यूएस के साथ इनकी रिलेशनशिप क्या है। और ऐसा ही नहीं इंडिया के पास यूएस ही ऑप्शन है, इंडिया अपने आप में सक्षम है, ऐसे दोनों चीज़ें बताई हैं। तो इन्होंने दोनों चीज़ों की बात की है, फिर ह्यूमन राइट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, फिर ईरान को बताया कि ईरान कैसे, मतलब जितना किसके पास जा रहा है वो ज़्यादा पास, मतलब चाइना और रशिया वालों के पास जा रहा है, क्योंकि जो टाइम था ट्रंप का, ट्रंप सेंक्शन लगाते जा रहे थे, पर अब बाइडन आया, देखते हैं क्या मतलब चेंज आ सकते हैं, वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर टर्की, टर्की तो पहले से ही मतलब यूएस के साथ ट्रीटी साइन की हुई है, नाटो के अंदर आता है, ठीक है ना, पर फिर भी वो मतलब जितना फ़ायदा उसे यूएस से नहीं मिला उतना चाइना और रशिया से मिला है टर्की को। तो सारी बात इतनी इसमें यही किया, हमारे इंडिया का इसमें कोई मैटर नहीं आया। बस आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड पावर का रास्ता होके गुजरता है, वर्ल्ड ऑर्डर का, वो चार कंट्री से होके गुजरता है, ये इसने बोला है कि मल्टीपोलरिटी ये जो है ये चार देशों से होके गुजरता है, पूरे वर्ल्ड की पावर का रास्ता, इमर्जिंग जिसको पावर बनना है वर्ल्ड में। फिर अगेन कंटेन सेकेंड वेव, लेसन फ्रॉम फर्स्ट वेव, तो हम ये तो हमें कुछ नहीं पढ़ना है। फिर मैंने आपको बताया था इंडिया में क्या चल रहा है, डेली आपको बता रहा था रायसेना डायलॉग, ये कौन कराता है, ये ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन कराती है, किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। ये कुछ नहीं होता है कि इनफॉर्मल टॉक्स होती हैं, जैसे मैं मिला लूँ, मैं एक्सपर्ट बुला लूँगा, आप एक्सपर्ट बताएंगे आपको यूपीएससी कैसे करना है, हर दिन आज कोई मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरीट आ रहा है, कोई किसी मिनिस्ट्री का आ रहा है, कोई पुराना फॉर्मल आईएएस ऑफिसर आ रहा है, तो इसमें कोई भी आ जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर के आए थे, आज ये मतलब कि मॉरिसन आए हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, वो ऑनलाइन वर्चुअली होता है, वो ऐसे बैठ जाते हैं, वो बताते रहते हैं इंडिया ने हमारे लिए क्या किया। तो इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें एक्सप्लेन करता है कि इंडिया की रिलेशनशिप उस कंट्री से कैसी है और कैसे अच्छी हो सकती है, वही भी अच्छी अच्छी बात करते हैं बैठ के। तो ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है दोनों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। फिर रायसेना डायलॉग जो पर्थ, मतलब फ्रॉम पर्थ एड्रेसिंग एनुअली रायसेना, जो पर्थ में चल रहा है, वो ये सब कर रहे हैं। क्वाड में हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं। फिर जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर याद रखना उनका नाम क्या है, अभी जो है वो जो शिंजो आबे थे, उनकी हेल्थ की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद आए थे योशी हाइड सुगा, इनका नाम याद रखना, योशी हाइड सुगा जो है। बस सारी इन्होंने यही बात की है कि साइबर सिक्योरिटी से थ्रेट है, डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया चाइना का इन्होंने, पर जो इन्होंने बात की साइबर सिक्योरिटी से, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का एग्रेशन जो है, उन सबको कंट्रोल करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है पैसिफिक और इंडोज को, क्योंकि इसमें साउथ चाइना सी में सबको इम्बेलेंस करता है, तो बैलेंस करना है पावर को। तो सारी इन्होंने यही बात की है कि हम क्या करना है, टू बिल्ड ए ड्यूरेबल स्ट्रेटेजी बैलेंस इन द इंडो पैसिफिक, एक ड्यूरेबल स्ट्रेटेजी बैलेंस डेवलप करना है, ठीक है। यही सारी इन्होंने बात की है कि फेवर फ्रीडम को हमें फेवर करना है, डेमोक्रेटिक को फेवर करना है। फिर उसके बाद क्या, ये आ गए मंत्री, उसके बाद रावत जी आ गए अपने, जो CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ है, उनकी कंट्री के और भी बाहर की कंट्री के आ गए। फिर वो बात करते हैं कि चाइना जो हमें धमकी देता रहता है उसकी कंट्री में खुद अलग है, उइगुर्स जो मुस्लिम रहते हैं, जिसके नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस में मुस्लिम रहते हैं, जिंगजियांग नाम है प्रोविंसेस का, वहाँ पे उनके साथ वायलेशन करता है, ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत करता है वहाँ पे। फिर जो हमारी कंट्री, हमारी तो कंट्री इतनी अच्छी है, वहाँ पे सब कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अच्छा हिंदू मुस्लिम ठीक है, द फॉलो देयर इज द कास्ट ग्रीड कलर, इस पर कोई भेदभाव हम नहीं करते, ठीक है, इक्वल राइट है सबके पास। और फिर क्या है, वर्ल्ड मस्ट बी स्टैंड टुगेदर इंश्योर द पीपल ऑफ द ह्यूमन राइट। तो इन्होंने सब दो तीन देशों के किए आए थे इसमें, इसे मतलब चीफ जो स्टाफ है, चीफ जनरल है, वो आके इसमें आए थे और उन सब ने अपने अपने विचार रखे थे। ये हम नहीं पढ़ेंगे, बस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस याद रखना, ये UN का पार्ट है, एक ICC होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दोनों के हैग में है, और इंटरनेशनल जो ICJ है, ठीक है ना, इसकी हमने ट्रीटी साइन की हुई है, रेक्टिफाई भी किया हुआ है, पर जो ICC है उसको हमने साइन नहीं किया हुआ, इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ, ये भी आप याद रखना, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ये जाधव का केस क्या है, 2017 में पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, फिर फांसी की सजा दे दी गई थी, डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, तो इंडिया क्या बोला था, ये स्पुरोहित मतलब कि जासूस है इंडिया के, और उस उनका कोई एक्ट था उसके अंदर गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दे दी। इंडिया कहाँ चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, तो उसने रोक लगा दी, तब तक इफेक्टिव हम पूरी जाँच नहीं करते, कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट है, तो तब तक वो जाँच नहीं करते, इनको कोई सजा नहीं हो सकती। और वही NPS स्कीम के बारे में आया, मैं आपको बता चुका हूँ, दो टायर होते हैं, 2009 से चालू हुई थी स्कीम ये, फिर इसे मैंने बॉडी बता दी कौन इसे रेगुलेट करता है, दो टायर्स होते हैं, एक नॉन लैप्सेबल होता है, नॉन मतलब विड्रोबल होता है, एक विड्रॉल कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ें। फिर UNFPA पॉपुलेशन रिपोर्ट रखी है, किसने रखी है, क्या नाम है इंस्टीट्यूट का, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड,
ये एक रिपोर्ट लेके आया है, ये रिपोर्ट का जो थीम है उसमें क्या रखा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट लेके आया, उसकी टाइटल क्या रखा है, माई बॉडी इज माई ओन, कि मेरा शरीर मेरा अधिकार है मेरे शरीर पे। पर हो क्या रहा है कि 75 जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ की हाफ ऑफ द वुमेन फ्रॉम 75 डेवलपिंग कंट्री डू नॉट हैव राइट टू मेक देयर डिसीजन, कि जो 75 देशों की आधी महिलाओं के पास उनकी बॉडी के पे भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बॉडी का क्या करें। मेरा बॉडी है भाई, मैं जैसे चाहूँ उसे यूटिलाइज करूँ, पर 75 ऐसी रिपोर्ट बोल रही है वो, मतलब कि कोई आपके कॉन्ट्रासेप्टिव गोली जो होती है, मतलब कि कोई अगर ड्यूरिंग द सेक्स और कुछ भी हो, अगर बेबी रह जाए उनकी अधिकार नहीं है वो गोली खाएँ, ठीक है ना, उनकी कोई हेल्थ केयर कुछ होना, बॉडी में प्रॉब्लम हो उनकी बॉडी पर अधिकार नहीं है, फिर उनकी जब मर्जी नहीं है, जब उनको सेक्स करने का मन करे वो सेक्स करें अकॉर्डिंग, तो वो सारे उनके अधिकार ही नहीं है। उनकी जो उनकी जो पार्टनर होगा जो भी इसे यूटिलाइज किया जाता हुआ, वो उनके कोई अधिकार ही नहीं देते हैं, मतलब ये राइट्स नहीं है उनके पास वुमेन के पास। कि देखो हम कम से कम शरीर को तो अधिकार होना चाहिए, जब खाना भी छीन लो पानी भी छीन लो, मेरा शरीर है उस पर तो अधिकार होना चाहिए, उस पर भी मेरे शरीर पर भी अधिकार नहीं है। यू योर बॉडी विदाउट द फियर ऑफ वायलेंस एंड हैविंग समवन एल्स डिसाइडेड फॉर यू, ठीक है ना, कोई और डिसाइडेड करता है। ओनली 55% ऑफ वुमेन फुल्ली इम्पावर टू मेक द चॉइस हेल्थ केयर की, कॉन्ट्रासेप्शन की, फिर एबिलिटी टू से यस और नो टू सेक्स, उन्हें सेक्स करना है नहीं करना उनके पास राइट होते हैं, कि 55% ही वुमेन है ऐसे जिनके पास है। ओनली 75% ऑफ द कंट्री लीगली इंश्योर फुल इक्वल एक्सेस टू, मतलब आपके कॉन्ट्रासेप्शन गोलीज होती हैं उनकी इक्वली एक्सेस कर सकती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ द, मतलब कि होते हैं जैसे चाइल्ड मैरिज, शादी करा देते हैं ज़बरदस्ती फीमेल, मतलब आपकी जेनिटेबल आपकी म्यूटिलेशन, ये लैक ऑफ यूनिक, गोली नहीं ले सकते, अनप्लान प्रेगनेंसी, अनवांटेड सेक्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके पास अधिकार नहीं है, कब खाना खाना है, चेंज फॉर होम, कब कहीं ना कहीं से, तो मतलब एक तरह से वो कठपुतली है, जहाँ उन्हें रख दोगे वहाँ बैठ जाएंगे, जो उनके साथ करना है वो करूँगी। तो ऐसी कितनी वुमेन्स हैं 57 डेवलपिंग कंट्री में, कम से कम उनकी 50% वुमेन के ऐसी उनके वायलेशंस हो रहे हैं। राइट पर सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फ्री फ्रॉम वायलेंस, ये सब चीज़ होनी चाहिए, कि जॉयफुल सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो इन सबको, तो ये रिपोर्ट क्या बोले, कोविड की वजह से और भी खतरनाक हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। फिर कुछ कंट्री क्या बोल रही हैं कि हम क्या करेंगे 2030 तक, ये सारी जो जेंडर बेस्ड वायलेशन है और डेथ है जो मैटरनल डेथ है, और मतलब इन सब चीज़ों को हम रोक देंगे, इन सब चीज़ों को हम रोक देंगे, बहुत सारी कंट्री ने बोला 2030 तक। तो आपको रिपोर्ट का नाम नहीं रखना है, UNFA जो निकालती है पॉपुलेशन रिपोर्ट निकालती है, और उस साल की थीम है माई बॉडी इज माई ओन, ठीक है ना। फिर 75 जो डेवलपिंग कंट्री है, नियर अराउंड हाफ ऑफ द वुमेन के पास अपनी बॉडी का भी अधिकार नहीं है। अब एक OCI होल्डर होते हैं, अभी क्या हुआ था PIO होल्डर खत्म हो चुके हैं, 2018 में एक स्कीम आई थी, PIO को OCI के साथ मिक्स कर दिया गया था। तो OCI होल्डर होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या होते हैं, जब ये बनवाते हैं ना, ये इंडिया में मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन करा, फिर विदाउट वीज़े कई बार आ सकते हैं। इसमें तो आप चैप्टर जाके पढ़ लेना, आप आर्टिकल फ्रॉम आपका 5 to 10 जो स्टार्ट करते हैं, शायद 6 to 11 है आपके आर्टिकल, 6 to 11 है आपके सिटीजनशिप जो चैप्टर है पॉलिटी का, तो वो पढ़ लेना, न्यू बुक से पढ़ना, पुरानी बुक से मत पढ़ना, फिर गूगल से पढ़ लेना अगर नहीं है तो। टाइम फॉर इंडिया टू हैव ए वुमेन चीफ जस्टिस, आज तक ये याद रखो, इंडिया को वुमेन चीफ जस्टिस नहीं मिला है आज तक इंडिया को। तो ऐसे कोई मीटिंग चल रही थी जो आपकी बोर्डवे जी हैं, जो CJI चीफ जस्टिस हैं अभी का, अभी जो नए आने वाले हैं, नए आप कमेंट में बताना 48वें होंगे वो, उनका नाम क्या है, अभी वो आने वाले हैं, 1-2 महीने में आने वाले हैं, अप्रैल में आने वाले हैं शायद, तो उनका नए जस्टिस का नाम क्या है आप बताना। तो अभी तक कोई इंडिया को वुमेन चीफ जस्टिस नहीं मिला है, भले से अभी जज है, आप कमेंट करके बताना अभी सुप्रीम कोर्ट में कितनी वुमेन जज है, ठीक है ना। तो जो नेशनलाइजेशन सुन, जो वैक्सीन है, मतलब कि नेशनलाइजेशन, साइंटिस्ट और पब्लिक क्या मचा रही है कि जो इंडिया को अब क्या करना चाहिए, जैसे ये कोवैक्स, कोवैक्स क्या है, एक इंटरनेशनल फोरम है, प्रोग्राम है जो सप्लाई कर रहा है, वैक्सीन सप्लाई कर रहा है लोअर इनकम कंट्री को। तो अब टाइम आ गया है कि वैक्सीन को क्या करना चाहिए, अब नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए कि पहले हमारे देश को लगेगी फिर हम बाहर सप्लाई करेंगे। पर इंडिया क्या बोल रहा है, हम अपने देश में लगाएंगे बाहर भी सप्लाई करेंगे, पर कुछ चीज़ें हैं जो शोर उठेगा मार्केट में, हमारे देश को नहीं मिलेगी तो बाहर कैसे भेजेंगे हम चीज़ों को। कोविन अलाउड द माइनर करेक्शन इन द डाटा, चलिए हमारे काम की नहीं है। फिर वैक्सीन एप्लीकेशन, अभी क्या हुआ है कि सेंटर ने क्लेरिफाई कर दिया है कि टू सीक द अप्रूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इमरजेंसी यूज ऑफ फॉरन, मतलब प्रोडक्ट इन द कोविशील्ड वैक्सीन जिस यूज़ करने के लिए, तो मतलब उस चीज़ की रिपोर्ट देखने के लिए आपको हेल्थ मिनिस्ट्री ने किससे बोला है, सेंटर जो ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी, मेरा मतलब बताने का मतलब क्या है, बस ये जितनी लाइन है ये बताने की इंपॉर्टेंट है,
कि जो CDSCO होता है आपका, उसका हेड होता है DCGI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उसके हेड होते हैं, यही अप्रूवल देते हैं किस चीज़ को, कोई न्यू वैक्सीन को लाना है, न्यू वैक्सीन को अप्रूवल देना है, यही अप्रूवल देते हैं। तो आपको बस यही बताने का मतलब था। तो ऐसे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फिर हो गया आपके DCGI जो हेड होंगे किसके, CDSCO के, और कॉस्मेटिक वाला जो एक्ट है उसके अंदर से वो पावर मिली हुई है। अभी क्या हुआ था 2020 में जब वेव आई थी, मतलब फर्स्ट वेव आई थी, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, वीज़ा देना बंद कर दिया था, हमने फिर स्टार्ट किया 156 कंट्री को वीज़ा, ई वीज़ा प्रोवाइड करेंगे जो इंडिया में आते हैं। कैसे होंगे, टूरिस्ट आते हैं, किस किस को ई वीज़ा दिया जाता है इंडिया में, टूरिस्ट हो, कोई बिजनेस हो, कोई कॉन्फ्रेंस में आना हो, किसी को मेडिकल हो या मेडिकल अटेंडेंट हो, इन सब चीज़ को आना हो, ठीक है ना, 4 दिन पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है और आपको ई वीज़ा इंडिया में मिल जाता है, ऐसा होता है। ये मार्च 2020 में हमने बंद कर दिया, दोबारा से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। जो दूसरी न्यूज़ आती है इम्पोर्टेंट, मतलब कि इम्पोर्ट करने वाले हैं आपका मेडिकल ऑक्सीजन को इम्पोर्ट करने वाला है, ये चीज़। फिर आती है US इम्पोजिड न्यू सेंक्शन ऑन रशिया। अभी क्या है, 32 इंडिविजुअल लोगों के लिए, कौन कौन थे 32 लोग, हमारे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, जो वहाँ के कुछ 10 लोगों डिप्लोमेट्स थे जो आपके रशिया के थे, फिर स्पाई करने वाले, फिर वो ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं, अमेरिका में परमिशन नहीं देंगे, इन्हें बुलाया नहीं जाएगा, कभी इनका वीज़ा अमेरिका के लिए नहीं लगेगा, तो 10 लोग को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। किसने कर दिया है, अमेरिका ने रशिया के, जो साइबर वाइबर अटैक करते थे उस पर ही है। फिर क्या है कि जो ब्लिंकिन है, ब्लिंकिन कौन है, US सेक्रेटरी हैं, ये अभी अफगानिस्तान में गए क्योंकि 26/11 जो हमला हुआ था, तो वहाँ से विड्रॉल करने वाला है सितंबर में, मतलब वहाँ सारी आर्मी विड्रॉल करने वाली है, कहाँ से, 20 एनिवर्सरी जब होगी 26/11 हमला जो हुआ था ट्रेड सेंटर पे 11 सितंबर को, तो सारी जो नाटो की फोर्स है, US की फोर्स वहाँ से विड्रॉल करने वाली है, तो चिंता बनती है ना अफगानिस्तान के सामने, फिर तालिबान आगे आ जाएगा, तो ये बोल रहा है टेंशन मत लो भाई, हम आपकी मदद जरूर करेंगे इस मामले में, हम शांति बहाल करके ही वापस जाएंगे, यही बात की है इन्होंने बैठ के। मैंने बताया ना US क्लाइमेट जो आपके इन्वॉय होता है मैसेंजर, जो मैसेज लेके जाता है, पहले चलते थे ना हमने राजा एक लिफाफे में बंद करके रोल करके दे देता था घोड़े को, उस राजा को देके आ, मतलब घोड़े को, या फिर वो आदमी होता था जाता था, हम उस राजा के कोर्ट से आए हैं, उनका संदेश लाया, तो ऐसे इन्वॉय का मतलब वही होता है जो मैसेंजर होता है। तो US क्लाइमेटिक इन्वॉय जो कैरी हैं वो फर्स्ट चाइना विजिट पर गए हैं, और ऐसा ठीक है ना, तो वहाँ पर जाके, क्योंकि 23 और 24 अप्रैल को क्या होने वाली है, वर्ल्ड लीडर की सबमिट होने वाली है वर्चुअली, क्लाइमेट जो के लीडर्स हैं उनकी होने वाली है, सबमिट होने वाली क्लाइमेटिक के लीडर की, तो उसके लिए वो बात करने गए हैं, हम कैसे 1.5 डिग्री कम रखेंगे, आपने क्या काम किया, हमने क्या काम किया, ठीक है, जब मीटिंग होगी उसके बाद हम पढ़ लेंगे। अब देखो इराकी में जो, इराक में भी अमेरिकन फोर्स है, उसके भी बेस है, वहाँ पे भी रहते हैं, तो इराकियों ने क्या हमला किया है, अब इरबिल एक जगह है एयरपोर्ट, तो नाम याद रखना, कई बार मैच द फॉलोइंग में वहाँ के देश के, इराक है, बद्दाद है, उसमें जो भी सिटीज़ है मेन मेन, कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है ये वाली सिटी कहाँ पर है, तो इरबिल एयरपोर्ट कहाँ पर, वो इराक लिख देगा या ईरान लिख देगा, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहली बार उन्होंने कभी UAV का यूज़ किया है, मतलब कि अनमैन एरियल ड्रोन, ड्रोन का यूज़ किया है, ड्रोन आया उसमें बम लगे हुए थे, उसने नीचे छोड़ दिए और चला गया, तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करने लगा, इतने एडवांस हो गए हैं कौन, अब वो भी चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं। दूसरी न्यूज आती है WPI इन्फ्लेशन क्विक रिकॉर्ड 7.4% इन्फ्लेशन बढ़ गई है WPI की, तो आज हम पूरा इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम और चीज़ ख़त्म कर लेते हैं। NPS तो हमने पढ़ लिया कि मार्च एक्सपोर्ट 60% ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो गया हमारा मार्च के एक्सपोर्ट में, और फिर यहाँ से आ जाता है नीचे, फिर थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। RBI सेटअप करेगा, एक अथॉरिटी सेटअप करेगा रिव्यू रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशन है उसको रिव्यू करने के लिए, सेकंड बार किया जा रहा है, तो रेगुलेशन जो होगी रिव्यू अथॉरिटी 2.0, पहली बार कब किया गया था 1999 में किया गया था, जो सारी रिपोर्ट्स हैं कैसे कंडीशन को ऊपर उठाना है, कैसे चीज़ों को देखना है, कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करनी है, कैसे RBI को छोड़ना है, तो एक उसके लिए क्या बनाएगा रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी, उसे रिव्यू करेगा बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है ना, जो RBI की रेगुलेशन उसे कैसे सिंपलीफाइड बनाया जाए चीज़ों का, तो वो सेकंड टाइम करने जा रहे हैं, उससे पहले 1999 में किया था, अटल बिहारी वाजपेयी में कारगिल युद्ध था उस टाइम पर हमने किया था चीज़ों का। अब हम पढ़ेंगे सब कुछ इन्फ्लेशन के बारे में, ये हमारा होगा लास्ट टॉपिक, ठीक है ना, इन्फ्लेशन, उसके बाद हम जाएंगे इन्फ्लेशन के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। जो इन्फ्लेशन है क्या है, महंगाई, ठीक है ना, ये कब बढ़ती है, लोगों की जेब में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, तब बढ़ती है, या फिर चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, मतलब दाम बढ़ जाते हैं चीज़ों के। अभी जो कंडीशन है महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन आती है जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, और उसकी सर्विस कॉस्ट होती है, वो इंक्रीज़ होती जा रही है। देखो खाद के दाम बढ़ गए, खाद के बाद फर्टिलाइज़र के दाम इंक्रीज़ हो गए, डीजल के दाम इंक्रीज़ हो गए,
ठीक है ना, उसके बाद मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो पानी के लिए यूज़ करते हैं उसके दाम इंक्रीज, तो हम क्या होगा उससे फ़र्क किस पे पड़ता है, उस पर फर्क सर्विसिंग कॉस्ट पे पड़ता है, प्रोड्यूसिंग कॉस्ट पे पड़ता है। तो फल 1 रुपये में आता था, डीजल के 20 रुपये बढ़ गए, और जब बिजली के पैसे बढ़ गए, और जब फर्टिलाइजर के पैसे बढ़ गए, तो वो 20 रुपये में आएगा, तो 20 रुपये में आएगा तो पब्लिक पे हम पड़ेगा, तो वो क्या है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है। और ये भी नहीं इन्फ्लेशन को हम निगेटिव रख सके, बिल्कुल जीरो नहीं रख सकते इन्फ्लेशन को, अगर इन्फ्लेशन नहीं होगी ना तो प्रोडक्शन भी नहीं बने होगा। अब इन्फ्लेशन जीरो है कि मतलब कुछ बिक ही नहीं रहा है मार्केट में, कोई खरीद नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा लोग खरीदेंगे नहीं, इन्फ्लेशन नहीं है तो मतलब कि चीज़ें मतलब कम है, तो लोग चीज़ इसका मतलब लोग कम खरीद रहे हैं चीज़ें, डिमांड कम हो रही है, डिमांड मार्केट में डिमांड कम हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है सप्लाई तो उतनी है, तो सप्लाई भी कम करनी स्टार्ट करेंगे, डिमांड कम है मार्केट में, तो उससे क्या होगा, तो प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट करेंगे, जो प्रोडक्शन करने के लिए हमने एम्प्लॉयमेंट मतलब आदमी रखे हैं उनको कट करेंगे, हमें तो दो ही चीज़ बनानी है, दो आदमी बना सकते हैं, तो 50 आदमी क्यों रखे, पहले 50 बना रहे थे तो 50 आदमी रखे हुए थे, तो हम वो भी करेंगे, तो सिर्फ इनडायरेक्टली हम उस पर आता है। तो इन्फ्लेशन जो टारगेट अभी सेट हुआ है 2021 से 2025 तक 26 तक का, वो रखा गया 4% प्लस माइनस 4% प्लस माइनस 4%, यानी कि 6 तक ले जाओ प्लस तक और 20 2 तक ले आओ, 2 से कम नहीं लानी, 4 पे रखनी है जो एवरेज पे रखनी है आपको, ये टारगेट रखा हुआ है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है कि प्राइस जो राइजिंग द प्राइस फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ने लगी, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन्फ्लेशन आर इन इंडिकेटेड टू डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर, अगर नीचे के साइड में जा रही है कि परचेजिंग पावर डिक्लाइन मतलब हो रही है, दिस कुड बी अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिएस्केलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि वही इकोनॉमिक ग्रोथ कम करती है। मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो मैंने बताया ना 4 रखो, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, और इंडिया में 2 प्रकार से नापी जाती है, WPI से और CPI से। WPI होलसेल, क्या ना होलसेल वाले से लेके आया हूँ, और फिर दुकान वाला होता है, रिटेलर वाले होते हैं नीचे, तो CPI बोलते हैं, तो ये सारा होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, कि मतलब कि इट मेजर द प्रोस्पेक्टिव रिटेलर बायर, मतलब जो हम कंज्यूमर मतलब डायरेक्ट दुकान से लेके आते हैं, होल वाले सेल से नहीं लेके आते हैं, और दुकान वाले होल सेल वालों से लेके आते हैं, तो कनेक्शन है होल सेल वाले फैक्ट्री से मंगाते हैं, तो एक ये क्या है कि रिलीज बाय द ये NSO निकालता है, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री के लिए। और जो CPI है आपका, CPI वो कॉमोडिटी मतलब जो फूड हो गया, मेडिकल के सब चीज़ के निकाला जाता है, ठीक है ना। इंडिया कंज्यूम बाय, जो भी चीज़ इंडिया कंज्यूम करता है, बायर जो भी खरीदता है उसके लिए CPI निकाला जाता है, ठीक है ना, फूड के लिए भी। और CPI का एक चीज़ याद रखना, CPI दोनों के लिए निकलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दोनों काउंट होते हैं आपका, फूड मतलब का फूड भी और सर्विस भी दोनों काउंट होते हैं, पर WPI में ओनली आपका गुड्स, सॉरी सर मैं फूड बोला था, गुड्स और सर्विस दोनों काउंट होते हैं CPI में, पर WPI में ओनली गुड्स काउंट होती हैं, तो आप याद रखना। और CPI 4 तरीके का होता है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, देखो वर्कर है, एग्रीकल्चर लेबर, इसमें भी लेबर वर्कर सेम ही है, फिर रूरल लेबर ये भी सेम है, एक कंबाइन निकलता है दोनों का एक साथ, इन सबको कंबाइन करके, ये शुरू ऊपर के 3 है ना, तीनों में लेबर टाइप ही है, तो ये लेबर मिनिस्ट्री निकालती है, नीचे वाला कौन निकालती है, ये निकालता है आपका NSO, जो मैंने बताया आपको, नेशनल स्टेटिकल ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक के अंदर आता है, और ऊपर के 3 कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है ना, उसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया, 2016 कर दिया गया। बेस ईयर क्या होता है पूछोगे आप मुझसे, बेस ईयर देखो आप काउंट करोगे ना, लास्ट मंथ में आपकी कमाई 1000 थी, तो पर्टिकुलर कोई मंथ तो सेट करोगे ना, ये चेक करने के लिए कितने से कितनी बढ़ी है मेरी सैलरी, तो आप देखोगे आपके मंथ सेट कर, तो कैसे काउंट करोगे, जैसे मैंने सेट किया कि लास्ट मेरे मैंने 2018 मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी, अब 2021 में 20,000 हो गई है, तो 2018 से कितनी बढ़ी है, 10,000 बढ़ी है, तो उसके हिसाब से काउंट करोगे। और सबका जो बेस ईयर है वो सबका 2012 है, बस इसका चेंज किया हुआ इंडस्ट्रियल वर्कर का, और सबका 2012 रखा हुआ है बेस। और मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI की होती है, और CPI का यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि ये एक तरह से कंज्यूमर बेस पे होता है, बिल्कुल नीचे के लेवल पे लोगों को कितने में मिल रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के अंदर काउंट होते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स निकालती है, ठीक है ना। इसमें क्या क्रिटिसाइज भी किया गया है, गलत चीज़ पहले से ही निकालते थे इन्फ्लेशन, बाद में चेंज कर दिया हमने, इन्फ्लेशन इससे निकालना, होलसेल से निकालना बंद कर दिया, कल CPI से निकालने लगे। इसका क्या बेस ईयर है, इसका भी 11-12 बेस ईयर रखा गया है, फिर कोई डिफरेंस है, अमाउंट ऑफ द एवरेज कुल भी प्राइसिंग कमोडिटी में कितना है, इसमें इंडिकेट द एवरेज चेंज इन द प्राइस, जो रिटेलर में हम खरीद के लेके आते हैं, ये कौन निकालता है, ये कौन निकालता है, CSO निकालता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी निकालता है, ठीक है ना। उसके गुड्स ओनली, गुड्स एंड सर्विस दोनों आती हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको पता ही है, फर्स्ट स्टेज होती है, फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, ये मैन्युफैक्चर एंड द होलसेलर, मैंने ना फैक्ट्री से लेके आते हैं तो इनके होलसेलर के पास आता है,
ये हम कंज्यूमर जो पब्लिक को बेचते हैं, टाइप ऑफ कॉमोडिटीज मतलब सब कुछ आती है, लाइक इसमें मिनरल मशीनरी बेसिस मेटल, इसमें सब कुछ आता है, फूड बेवरेज हाउसिंग मेडिकल केयर, इसके अंदर सब कुछ आता है। ईयर बेस 2011-12 इसका 12 है, ये चेंज होते रहते हैं, वो ऊपर है मतलब कौन चेंज करे कैसे करना है। फिर एक टर्म आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि मतलब सब कुछ काउंट करना। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, टोटल इन्फ्लेशन विद इन द इकनॉमी, ठीक है ना, कि राइजिंग इन द फूड फ्यूल ऑल कमोडिटी जितनी है उसके, तो उसे बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब कोर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है कि मतलब कि किस में काउंट होती है, WPI हिसाब से देखते हैं, यूजली डिनोटेड टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सर्विसेज नहीं आ रही, वो आ रहा है फूड आ रहा है फ्यूल आ रहा है और अदर कमोडिटीज़ आ रही है यानी गुड्स आ रही हैं, तो CPI की तरह हम इसे काउंट करते हैं। कोर क्या होती हैं, कोर क्या होंगी, जैसे आपके कुछ वॉलेटाइल चीज़ें, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं, वॉलेशन मतलब वॉलेटाइल होता रहता है, कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को इसमें बाहर रख दिया गया, फ्यूल और फूड को बाहर निकाल दिया गया, तो और चीज़ों की पता लग जाएगी कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ये तो कभी भी कम हो जाते हैं कभी भी बढ़ जाते हैं, इन चीज़ों को बाहर निकाल दोगे तो अदर कमोडिटीज़ आ जाएंगे, अदर गुड्स आ जाएंगे, तो आपको कोर इन्फ्लेशन मिल जाएगी। तो कोर इन्फ्लेशन में फ्यूल एंड फूड को बाहर रख दिया जाता है, तो आपको ये भी पता लग गया, ठीक है ना। इट द कॉन्सेप्ट टू ड्राइव फ्रॉम द हेडलाइन, मतलब कि मेजर टू इन्फ्लेशन एंड मेजर बाय द एक्सक्लूडिंग फ्यूल फ्रॉम WPI और द CPI, दोनों तरीके से देखा जाता है। CPI में देखा जाता है कितनी कोर इन्फ्लेशन है कितनी हेडलाइन इन्फ्लेशन है, दोनों को चेक किया जाता है। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है। डिमांड क्या, जैसे मार्केट में राइज हुई है, पेन है 5 रुपये का, अभी क्या है कि जो आपकी आपकी रेमडी वो वैक्सीन है मतलब कि या रेमडेसिविर वैक्सीन जो है आपकी, रेमडेसिविर जो है जो कोरोना के लिए लग रही है उसके पेशेंट्स हैं, उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई है, उससे क्या पता लगा कि ब्लैक मनी आना स्टार्ट हो गया, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन लूँगा कैश में लूँगा, तो ब्लैक मनी भी जनरेट होना स्टार्ट होगी। राइजिंग द इनकम, अब 100 रुपये का इंजेक्शन मतलब कि 1000 रुपये का 2000 का इंजेक्शन अब 10-10 हज़ार 40-40 हज़ार में बिक रहा है, तो ब्लैक मनी भी जनरेट हो रही है, उसकी इनकम भी जनरेट हो रही है, 2000 खरीद के लाया 10-10 हज़ार में बेच रहा है। और एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही मतलब ज़्यादा स्टार्ट होता है, वो क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनी को और पैसा देगी कि डिमांड बढ़ रही है आप इसे प्रोड्यूस करो, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे कि डिमांड मैच करो, ये ब्लैक मार्केटिंग से उसको रोको, तो गवर्नमेंट पैसा देगी, तो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर होगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश जैसे ही इंटरनेशनल प्राइस में कोई प्राइसेस दाम बढ़ गए या पेट्रोल के बढ़ गए या राइज आप MSP जो आप देते मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने 5000 रुपये कर दी, ठीक है ना, पहले वो 3000 रुपये में मार्केट में बेच देता था लाके, क्योंकि MSP 2000 थी, आपने 5 कर दी तो मार्केट में क्यों बेचेगा, तो मार्केट वाले उसे खरीदने के लिए उनसे 5000 ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, या तो MSP बढ़ा दो आप, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि चीज़ों की पैसे बढ़ जाए, लेबर कॉस्ट बढ़ जाए कुछ भी, तो कॉस्ट मतलब ये क्या होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब ये ज़बरदस्ती बढ़ाई जाती है इन्फ्लेशन, कैसे MSP बढ़ा दो, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा दो, ठीक है, होल्डिंग कर दो चीज़ों की, मतलब उसे क्या करो, रोक लो, बाजार में ख़त्म हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिक अपने आप, ठीक है ना, ब्लैक मार्केटिंग, तो राइज ये होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट को पुश करने के लिए इन्फ्लेट किया जा रहा है, एक डिमांड वो ऑटोमेटिक राइज होना स्टार्ट हो जाती है, डिमांड बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। फिर होता है एड्रेस कैसे करेंगे इन्फ्लेशन को, इसके लिए RBI ने कुछ टूल्स बनाए हैं, जैसे CRR को बढ़ाना करना, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, वो RBI कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, और एक होती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल FISCAL, फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है, वो आपको गवर्नमेंट चेक करती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। ये सारा कुछ इन्फ्लेशन के बारे में था, मैंने आपको हेडलाइन कोर WPI CPI कौन निकालता है कौन इसे करता है सब बता दिया, यहीं तक थी। अगर आपको इसकी दोनों की PDF चाहिए, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आज मैं लेट हो गया थोड़ा, वरना सुबह 9-10-12 बजे तक मैं हिंदू अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।